Gadgets won't matter. हाँ सही कह रहा हूँ मेरे भाई. This is coming from someone जिसने अपनी आधी जिंदगी ये gadgets के चक्कर में बर्बाद करी हुई है. Hi everyone, this is Arijit Saha from a better musician every day, जहाँ पर हम आपस में experiences शेयर करते हैं और figure out करने की कोशिश करते हैं कि what will make us a better musician, a better artist every day. So stay tuned because मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है. बोले तो झकास. अच्छा तो ये जो सवाल है ये बहुत ज्यादा ऑफन आता है मुझे. भाई आप ये वाला साउंड कार्ड क्यों यूज कर रहे हो, ये माइक यूज क्यों कर रहे हो, Should I switch gear and other things? तो सबसे पहली तो बात है, जो सामान आपके पास में है अगर उससे काम हो रहा है और बाकी लोग कर रहे हैं और अगर आप भी कर सकते हो तो just stick with it. हो सकता है कि सामान प्रॉब्लम ना हो और प्रॉब्लम आपका स्किल में हो. So we should definitely look at developing it. Because I started working in Dehradun और यहाँ पे बहुत ज़्यादा facilities नहीं रही हैं. Skilled जो लोग हैं आसपास में about the music producers, studios, filmmakers, other stuff. तो हम लोग को बहुत ज़्यादा hustle करना पड़ा, बहुत ज़्यादा figure out करना पड़ा. तो इसकी वजह से basically ये हुआ कि हम लोगों ने इतने सालों में इतना ज़्यादा hustle किया और online इतने गोते मारे to figure out कि भाई best gadgets क्या होंगे to do all this kind of stuff जो हम लोग करना चाहते थे. और अक्सर ऐसा हुआ है कि वी हैव रियली मेड सम बैड चॉइसेस और हमने बहुत सारी फालतू की ऐसी चीजें खरीदी जिनका वाकई में हमको कोई जरूरत नहीं था. उसने हमारा प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने की बजाय या हमको स्पीड अप करने की बजाय हमको स्लो डाउन कर दिया इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी एक छोटे से एग्जांपल के साथ में शुरू करते हैं. तो ये है मेरा ओल्ड एंड ट्रस्टी मैकबुक प्रो. 2013 के एंड से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ. आई हैव अ टन ऑफ गैजेट्स पर आज के वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे इस छोटे से साउंड कार्ड की. तो आज जो एक भाई का मैसेज आया था, ही वॉज यूजिंग फोकस राइट का 2x2 वाला कार्ड. मेरे ख्याल से ये उससे तो अच्छा नहीं है. कंपेरेटिव प्राइसेस है तो कंपेरेटिवली इनकी क्वालिटीज भी होंगी. और हम इस्तेमाल करेंगे ये श्योर SM58 डायनामिक माइक्रोफोन, वेरी सिंपल. और अपने लैपटॉप को हम साउंड कार्ड से कनेक्ट करने के लिए गंदा सा केबल इस्तेमाल करेंगे, सस्ता सा प्रिंटर केबल. और अपने माइक्रोफोन को साउंड कार्ड से कनेक्ट करने के लिए ये XLR वाला होममेड टाइप का केबल इस्तेमाल करेंगे. मतलब लिटरली होममेड, घर में टाके लगा के बनाया हुआ. तार खरीद के लाओ, कनेक्टर्स खरीद के लाओ, घर में टाके लगा के बनाओ, ऐसा टाइप का मामला. और कई बार ये बहुत सारे ब्रांडेड केबल से अच्छा काम करता है. मेरे ख्याल से आप लोकल शॉप से जाकर के बनवा सकते हो अगर आप मेरी तरह ऐसे मल्टी टैलेंटेड नहीं हो तो. शाबाश अरिजीत, जस्ट किडिंग, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप जरूर ऐसा कर सकते हो. सो ये है बेसिकली आज का हमारा सेटअप. जैसा कि आप देख रहे हो, नथिंग वेरी फैंसी. एक नॉर्मल सा टेबल के ऊपर में हमने ये लैपटॉप रखा हुआ है. देयर इज दिस कार्ड. ये माइक को मैं हैंडहेल्डली कर रहा हूँ. तो इसमें मैंने ऐसा किया है कि एक गाने में से बस थोड़ा सा गिटार का लूप काट लिया है और उसके ऊपर मैं बाकी का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करूंगा. एंड यू बी द जज कैसा बन पाता है यूजिंग दिस लैपटॉप एंड दिस कार्ड और जस्ट एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसपे भी आप कंफर्टेबल. आलस के खातिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं कर रहा हूँ. Let's see, इससे कुछ बना है क्या? सुर्ख वाला, सोस वाला. You know the song कि ये क्या प्ले होने वाला है? And let me just balance it a bit और फिर देखते हैं. This should be very simple. थोड़ा सा compression, थोड़ा सा EQ, a bit of reverb, delay, and that's it. Check this out. सुर्ख वाला, सोस वाला, फैज वाला लव होता है जो सबसे ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव. सो इसमें बेसिकली जितना भी बेसुरा है या खराब गाया हुआ है तो वो डेफिनेटली इस गैजेट की गलती नहीं है, वो मेरी गलती है. दैट यू डू अंडरस्टैंड. इसमें ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा समय लेना चाहिए था, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आके मे बी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और अच्छी तरीके से थोड़ा सध के गाना चाहिए था. तो माइक को प्रॉपर प्लेसमेंट करके और खड़े होकर के सो दैट आई कैन डेफिनेटली परफॉर्म बेटर, इससे फर्क पड़ता. बट आई डोंट थिंक गैजेट की कोई भी गलती है इसमें. मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. बिल्कुल ही गैजेट्स के पीछे नहीं पड़ते हैं, थोड़ा अपने टैलेंट और अपने काम को थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश करते हैं. ये शुरू करते वक्त हमेशा ही ऐसा होता है. आप कोई भी नया काम शुरू करोगे देयर विल बी सो मच ऑफ कंफ्यूजन कि ये ले लूं, शायद मेरा सामान खराब है इसकी वजह से, शायद मेरे पास में ये चीज नहीं है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. बट मोस्टली इट्स यू. सीरियसली मतलब जब मैंने इवन वीडियोज वगैरह बनाने की भी सोची तो आई बॉट अ टन ऑफ थिंग्स. आई बॉट अ कैमरा, सोनी का कैमरा, देन आई स्टार्टेड बाइंग लेंसेज एंड ऑल कि भाई जिससे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आए, मतलब दैट बोके एंड ऑल. फिर मुझे लगा कि यार बिना गिम्बल के तो फिल्म मेकिंग हो ही नहीं पाएगी, लेट्स बाई अ गिम्बल फर्स्ट. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सोनी विच आई एम टॉकिंग अबाउट और इसमें करंटली एक
1.4 aperture वाला 30mm lens लगा हुआ है and the problem is अगर उससे मेरे को video बनाने नहीं देता तो I will have to mount it on this kind of a stand और फिर मुझे खुद को देखने के लिए I will have to have something like this जो उसके ऊपर mount करना रहेगा फिर उसका audio साफ आए उसके लिए I will have to have some audio solution as well जिसके लिए मैंने एक wireless वाला road भी and setting all these things up will most of the time result in कि यार थोड़ा सा समय है यार कहाँ इतना सारा सामान लगाओगे यार let's leave it यार video नहीं बना या और भी बहुत सारी चीजों में तो मैं बहुत समय से इसलिए सोच रहा था कि I should definitely buy a simpler solution for this तो I just bought this Canon M50 जो मैं बहुत समय से सोच रहा था और इसमें मैं basically kit lens में you can just see this thing which I am filming on right now और एक simple microphone का solution है इसके ऊपर में मतलब मैं वाकई में मैंने सोचा कि यार लाइटें थोड़ी बढ़ा लो इस कमरे की rather than going into कि भाई ये sharp lens ले लो ये और ये सारी चीजें ले लो and then bulky बना लो अपने setup को and then have so much of confusion और किसी लेंस में कुछ दिक्कत होगी फिर किसी और लेंस में कुछ और दिक्कत होगी तो ये ना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होने लग जाता है मामला सो लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स यार व्हाट आई नीड टू मेक कैन बी मोस्टली डन विद दिस और उसके बाद में जो भी मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह है इसका थोड़ा नॉलेज अच्छे से होना चाहिए ओवर विच आई एडिट तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और आप वो चंद गलतियां नहीं करोगे जो मैंने अपने करियर के स्टार्ट में करी और इवन अभी भी करता हूँ बिकॉज आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स तो होता है ऐसा बट द पर्पस ऑफ रनिंग दिस चैनल एक्चुअली विल फेल अगर मैं आपको ये सारी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर ना कर पाऊँ और वो शेयर करके आपको कोई बेनिफिट ना हो पाए तो आज के लिए बस इतना ही तो आपको जो भी कहना हो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट करके कह सकते हो और आप लोग का जो सपोर्ट बना हुआ है मेरे साथ में आई रियली लव दिस थिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड आई डोंट नो कि मुझे आपको ये बार बार कहना चाहिए या नहीं कि सब्सक्राइब करो पर यार कर लो अच्छा लगेगा डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड यू थिंक कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है और अगर वाकई में आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो हो सकता है उनमें से भी किसी को जरूरत हो या उनके दोस्तों को जरूरत हो अगर आप इसको अपने फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पे शेयर करते हो इन वीडियोस को तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अदर्स एज वेल तभी तो हम ये कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि हम सभी ग्रो करें एज अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय नमस्कार सत श्री अकाल